अमेरिका में एक वैज्ञानिक पर लगा है जासूसी का आरोप। मून साइंटिस्ट डेविड नोजेट को एफबीआई ने धर दबोचा है। एफबीआई के मुताबिक नोजेट ने मून मिशन से संबंधित गोपनीय दस्तावेज बेचने की कोशिश की। इस गहमा गहमी में एक वैज्ञानिक की जिंदगी भर की कमाई इज्जत खाक हो रही है। इन बक्सों में वो सुराग है जो उसे सलाखों के पीछे भेज सकते हैं। आरोप संगीन है। अमेरिका के वैज्ञानिक स्टीवर्ड डेविड नोजेट को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। 52 साल के नोजेट गोपनीय दस्तावेज बेचने की कोशिश करते हुए पकड़े गए हैं। इस गिरफ्तारी ने नासा से लेकर इसरो तक के वैज्ञानिकों को सकते में डाल दिया है। नोजेट वो शख्स हैं जिन्होंने 10 साल पहले चंद्रमा पर पानी के सबूत ढूंढने में अहम भूमिका निभाई थी। ये भारत के चंद्रयान मिशन से भी जुड़े थे। डर इस बात का है कि कहीं नोजेट ने चंद्रयान की कुछ खुफिया जानकारी दूसरे देशों तक न पहुँचाई हो। हालांकि इसरो का दावा है कि नोजेट के पास चंद्रयान की कोई संवेदनशील जानकारी नहीं थी। Well, I'm obviously shocked and I'm really disappointed. I mean, it's hard to believe that something like that could go on in our neighborhood. सबूत के साथ नोजेट की गिरफ्तारी में करीब महीने भर का समय लगा। एफबीआई के सीक्रेट एजेंट ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का जासूस बनकर अमेरिकी उपग्रह से जुड़ी खुफिया जानकारियां मांगी थी। लालच दिया ढेर सारे पैसों का। आरोप है कि कुछ मुलाकातों में ही नोजेट जानकारी बेचने पर राजी हो गए और जब बेचने की कोशिश की तो एफबीआई की गिरफ्त में आ गए। अगर नोजेट पर जुर्म साबित हो जाता है तो उन्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है। आज तक ब्यूरो।